नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। लगातार जो है सब्जियों के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, टमाटर के भाव दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे वीडियोस और खबरें जो मिली हैं उनमें से जो है टमाटर विक्रेता अपनी दुकानों पर सिक्योरिटी रखे हैं। इस पर महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, आइए हम टमाटर विक्रेताओं से ही जानते हैं। भैया आपका नाम? आनंद कश्यप। आनंद कश्यप, उधर देखिए जरा, टमाटर जो है इतना महंगा है, ये किस लिए महंगा है? ये भैया बारिश के वजह से महंगा है। बारिश के वजह से महंगा है। पहले कभी इतना महंगा नहीं हुआ? नहीं। बारिश भी कम होती थी, फसल ज्यादा होती थी। अब इतनी आपकी बारिश इतनी हो गई है, धूप इतनी हुई तो जैसे जैसे पहले टमाटर बिकता था, क्या उसी तरह जो है टमाटर बिक रहा है? उसी तरीके से नहीं बिक रहा है, कम बिक रहा है। कम बिक रहा है, यानी कि जनता महंगाई के मार से त्रस्त है। बहुत त्रस्त है। अच्छा, और भी हम बहुत सारे लोग हैं, भैया से जानकारी। भैया जो है टमाटर का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इससे आपको क्या कहना है? कहना ये है कि बरसात के कारण से सप्लाई कम हो जाती है जी। जिस कारण से सारी सब्जियां, चाहे लौकी हो, तुरई हो, भिंडी हो, कद्दू हो, सारी सब्जियां कम हो जाती हैं। इस कारण से महंगाई चरम सीमा पहुंच जाती है। नहीं, पहले तो इतना महंगा नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्ट की वजह से ना, तेल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, हर चीज महंगा हो गया है, इसके कारण से महंगा। आपको क्या लगता है इतनी महंगाई की मार जनता झेल पाएगी? झेल रही है। झेल क्या पाएगी? झेल रही है। क्या किया जाए? इससे सस्ता तो पनीर है हमारा। अच्छा, टमाटर सस्ता पनीर है। पनीर खा लीजिए। पनीर खा लीजिए जी। नहीं तो टमाटर की लत लगी है ना। बिना टमाटर के सारी सब्जियों का स्वाद बेस्वाद है जी। और भी हम भैया से जानकारी। भैया टमाटर के रेट लगातार जो है बढ़ रहे हैं, और टमाटर को कई जगह देखने को मिला है जो है टमाटर के विक्रेता जो है सिक्योरिटी भी लगा के रखे हैं। तो जो है ये सब भैया ब्लैक मार्केटिंग की वजह से है। ब्लैक मार्केटिंग की वजह से है। अच्छा, और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो है आंटी से जो है पूछेंगे। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा रंजना। आंटी, टमाटर जो है लगातार उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या करें, ले ही नहीं रहे हम। ले ही नहीं रहे, बजट अपना कम कर रहे हैं। अच्छा आंटी, आपको क्या कहना है? कहना क्या मतलब, ज्यादा जहाँ 3 यूज करते थे वहाँ आप 2 यूज कर रहे हैं, और करना तो पड़ता ही है टमाटर जी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, बहुत क्या, क्या जनता झेल पा रही है? झेल नहीं पा रही, लेकिन झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, मजबूर पड़ेगा, मजबूरी है, झेलना तो पड़ेगा ही। सही तो लेंगे ही सही। पहले क्या इतना महंगा कभी नहीं हुआ? पहले तो 30 रुपए तक था चाहिए। अभी 15 दिन पहले भी जो है 20 रुपए 30 रुपए हाँ, ऐसे लेते थे हम लोग। तो अचानक से इतना ज्यादा क्यों रेट बढ़ गया? कोई कह रहा है कि एकदम इन्होंने ये सब ठेकेदारों ने इकट्ठा स्टॉक कर लिया है जी। ताकि बाद में फिर महंगा बिके, बाद में महंगा बिके, यही अभी निकाल लें, स्टॉक इकट्ठा कर लिया जी, अब सस्ता ले लिया स्टॉक, अब ये महंगा करके बेच रहे हैं जी। आलू थोड़ी है जो स्टोर में लगेगा, अभी 20-30 दिन पहले जो है टमाटर जब इतना सस्ता था, अचानक से वही तो हैरानी के लिए, अचानक 20 रुपए किलो, और कहाँ एकदम 160। ट्रांसपोर्ट का अगर भी भाड़ा होता है तो इतनी जल्दी थोड़ी ना बढ़ जाएगा, इतनी जल्दी नहीं बढ़ता भैया। आंटी, लगातार टमाटर के जो है भाव बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, अरे खाना मुश्किल हो रही है टमाटर का जी। और क्या, इतना महंगा टमाटर कभी हुआ ही नहीं है। जनता इतनी महंगाई झेल पा रही, कहीं नहीं झेल पा रही। तो आगे क्या होगा? क्या टमाटर खाना जनता बंद कर रही? बंद कर रही, बिल्कुल करेगी बंद। सेब नहीं खाएंगे, एप्पल नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। एप्पल खाएंगे ना इसकी जगह, टमाटर की जगह एप्पल खाएंगे, फिर क्या, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। अरे वाह। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी हम चलते हैं और भी टमाटर विक्रेताओं के पीछे जो है, हम टमाटर विक्रेताओं से जानेंगे कि जो है इतने महंगे जो है टमाटर क्यों बेचे जा रहे हैं, और इस पे जो है टमाटर विक्रेताओं की क्या राय है। भैया आपका नाम? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ जी, टमाटर जो है इतना महंगा क्यों बिक रहा है? पता नहीं भैया, हमें मिल रहा तो हम बेच रहे हैं। नहीं, खरीद के ला रहे हैं, अभी 20 दिन पहले टमाटर के रेट बहुत कम थे, ये अचानक से इतनी तेजी क्यों हो रही है? बताइए। हाँ भैया, अचानक से इतना है? अचानक से भैया, अब क्या किया जाए, जो चीज़ कम हो जाएगी जाहिर सी बात महंगी हो जाएगी, प्लस अपना लोकल सब बंद हो गया, अभी बैंगलोर वाला आ रहा है, इस वजह से थोड़ा और महंगा है। और भी भैया से हम जाएंगे, भैया टमाटर ले रहे हैं, टमाटर इतना महंगा अचानक से क्यों हो गया? अपने यहाँ फसल है नहीं, बाहर से आ रहा है, और बाहर बारिश ज्यादा हो रही है। नहीं, अचानक अभी 20 दिन 15 दिन पहले
20-30 रुपए के जी बिक रहा था, तो अचानक से क्या अपने यहाँ के टमाटर खत्म हो गए? अब कुछ ना कुछ कोई कहा बारिश कारण है जी। बारिश में यहाँ खत्म है, बारिश का यहाँ टमाटर जो है अपने यहाँ लोकल बंद हो गया। अब बाहर से आ रहा वहाँ भी बारिश है, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। जिस चीज की माल शॉर्टेज होते है वही महंगा हो जाते है। नहीं तो इतनी जल्दी अंकल जो है शॉर्टेज कैसे हो? अभी ये तो क्या बताएं हम, और भी हम जनता की राय जानते हैं और लगातार आपको दिखाने का काम करते हैं कि टमाटर इतना महंगा क्यों है। भैया बताइए टमाटर इतना महंगा क्यों है? टमाटर लोकल खत्म हो चुका है जी, बारिश में लोकल अक्सर इस टाइम जो है खत्म हो जाता है जी। और जब इस टाइम शुरुआत बेंगलोर की होती है तो महंगाई बेंगलोर से ही चालू होती है। इतनी समय टमाटर कहाँ से आ रहा है? ये बेंगलोर से ही आ रहा है, सारा बेंगलोर, सारा बेंगलोर। अपने यहाँ का? अपने यहाँ का सब बारिश में सब खराब हो चुका है। अपने यहाँ तो काफी टमाटर पैदा, बहुत टमाटर होता है। बेंगलोर फेल है, बेंगलोर फेल, बेंगलोर फेल है। यहाँ 5 रुपए किलो तक टमाटर बिका है जी इस बार। तो अचानक से 15 दिन के अंदर ही अंदर जो है इतनी महंगाई क्यों आ गई है? वहाँ बेंगलोर में भी खेती अब की कम हुई है, माल की शॉर्टेज है और आढ़ती लोग थोड़ा कम मंगाते हैं माल, इसलिए बारिश में सड़ जाता है। एक ट्रक में 3 लोगों का माल आता है, 3 आढ़तियों का एक ट्रक में माल आता है। आपका नाम क्या है? जी शमीम अख्तर। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर की वजह से जो है माल महंगा आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है बारिश की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या है असला मसला है। आंटी आपका नाम? अरे नाम हम सब्जी ले आए। अच्छा टमाटर महंगा हो गया? हाँ टमाटर अदरक बहुत महंगी हो गई है। तो क्या जनता जो है टमाटर इतना महंगा हो रहा खा पाएगी? नहीं नहीं कहाँ खा पाएगी, हम खुद ही नहीं खाते भैया, ले जाएगी? नहीं, नहीं ले जा रहे हैं। हाँ कैसे ले जाएगी? जैसा कि आप रुपया लाए नहीं, 100 रुपये में नहीं क्या सब्जी ले? 100 रुपये में 140 रुपये किलो तो टमाटर है। हाँ और अदरक, अदरक भी लेनी है, कितनी महंगी? 100 रुपये में सब्जी तो हो नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगी कुछ। तो क्या महंगा होना चाहिए टमाटर? मद्दा होना चाहिए, मद्दा होना चाहिए। आप लगातार देख रहे थे कि जनता की जो राय है, और भी हम आंटी से, आंटी आपका नाम? नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं जो है जनता जो है क्या अपनी राय रख रही है महंगाई को लेकर, टमाटर लगातार जो है महंगे होते जा रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। टमाटर के भाव पर आपका क्या है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ प्लग के साथ। मैं अभिषेक कुमार, कैमरामैन मुश्ताक के साथ, जय हिंद।